आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर बटर मसाला की रेसिपी, जिसका कि नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबका फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा जमी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, कोई स्टेप भी आप स्किप मत करना, ओके। तो इसके लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है, बाकी टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब ले लिया, और इसमें जाएंगे काजू जो मैंने आधी कटोरी ली है, और कुछ जाएंगे इसमें खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई गैस पे ऊपर चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है इसका फ्लेम हमने लो कर देना है, और इसमें जो खड़े मसाले हमने लिए है, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा हमने डाला है जीरा। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड, जब इसको फ्राई करना है ना आपने, तो गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है ताकि ये जले नहीं। उसके बाद आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डाल देनी है, और उसके बाद जो तेज पत्ता हमने लिया था वो अब हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो वो जल जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया, और उसके बाद जितने भी हमने अनियंस लिए थे, स्लाइसिस में कट किए थे, इसको डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाए ना, तो उसके बाद इसमें हम काजू ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप काजू की जगह खरबूजे के बीज भी ऐड कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकल पड़ते हैं और टेस्ट जो है सेम रहता है। थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद आपने डाल देने टमाटर, और फ्रेंड इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना, और उसके बाद इसके ऊपर ना मैं ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए, जब तक हमारा तड़का बनता है, जहाँ हम पनीर को कट कर लेते हैं, आप स्क्वायर भी कट कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आपने कट कर लेने हैं, और जान देखिए थोड़े मोटे ही पीस रखने हैं आपने, ओके। तो फ्रेंड्स, मोस्टली मैं पनीर जो है कच्चा ही यूज़ करती हूँ, अगर आप चाहो तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स, जान देखिए तड़का हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, थोड़ा और इसे सॉफ्ट होने देंगे। तो जान देखिए कम्प्लीटली ये हमारा तड़का जो है फ्राई हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे मैं पंखे के नीचे रख दूँगी ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही आपने इसमें मिक्सी जार में डालना है, बिल्कुल भी आपका तड़का गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब इसमें डालेंगे जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, वो 2 बड़े चम्मच भर के हमने इसमें डालनी है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, जो अमूल की आती है, आधा कप इसमें डाल दीजिए, और इसका फाइन पेस्ट आपने बनाना है। तो फ्रेंड्स, मलाई आपकी फ्रेश रहे, इसके लिए जब भी आपने दूध से मलाई निकालनी है ना, इसको फ्रीज़र में रखिए, काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती है। तो याद रखिए फाइन आप हमारा पेस्ट बन चुका है तड़के का। उसके बाद आपने इसे छलनी में अच्छे से छान लेना है। तो फ्रेंड्स, तभी आपको जो है ग्रेवी जो है क्रीमियर मिलेगी, एकदम स्मूथ ग्रेवी मिलेगी। जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं, काजू डाला है, जब तेज पत्ते हैं उसका जितना भी थोड़ा भी पार्ट रहता है वो छन जाएगा, ओके। तो ये सब स्टेप जो है आपने ज़रूर करना है। और ये थोड़ा सा जो बच गया ना, इसको फिर से एक बार मिक्सी जार में घुमा दीजिए थोड़ा पानी डाल के, और इसको छान के फिर से इसमें मिक्स कर दीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी रस होता है, ओके। तो जान देखिए हमारा स्मूथ टेक्सचर हमें ग्रेवी का मिल चुका है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप पर जाना है, तड़का एक बार और लगाएंगे। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच आपने डालना है बटर का, जो अमूल बटर है। उसके बाद इसमें साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल के, ताकि जो हमने बटर डाला ना वो जले नहीं। उसके बाद आपने बड़े ध्यान से ये तड़का डालना है, क्योंकि ये पूरा मतलब इसमें पानी भी है तो बड़ा छिटक रहा है, जब आप देख पा रहे हो। तो जान देखिए मैंने थोड़े ड्राई स्पाइसेस यूज़ करे, इसमें हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, और अब इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही ऐड करेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी, इसको पीस के डालना है। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 चम्मच आपने डालनी है शुगर, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो जितने भी हमने मसाले डाले हैं उसका टेस्ट जो है ना न्यूट्रलाइट हो जाता है, पूरा बैलेंस हो जाता है। तो थोड़ा सा आपने 50 ग्राम के आसपास पनीर लेना है, और इसको मसल के इस तड़के में ही डाल देना, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना ग्रेवी में, और बढ़िया आपका जो है फ्लेवर आ जाएगा। तो जान देखिए तड़का हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, घी जो है, जो भी हमारा बटर था वो साइड में आप देख पा रहे हो कि पूरा छोड़ दिया है तड़के ने। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें मलाई जो है 2 चम्मच और ऐड करेंगे, पनीर बटर मसाला है तो बटर और मलाई तो इसमें भर भर के डालेंगे। मैं तो फिर भी कम डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो, उतना ही फ्लेवर और बढ़िया आएगा। तो इसमें ग्रेवी के लिए मैंने देखिए जहाँ 2 कप जो है पानी के डाले हैं, छोटे वाले कप मैंने डाले हैं। तो इसको अच्छे से हमने बॉईल करना, बस 2 मिनट इसको बॉईल करना है। गरम मसाला इसमें ऐड कर दीजिए, बस आधा चम्मच ही इसमें डालना है। तो उसके बाद
आपने जो पनीर हमने कट किया था वो इसमें डाल देंगे। बस उसके बाद आपने बस 2 मिनट ही इसे ढक के पकाना है और आपका पनीर बटर मसाला देखिए कितना इजीली आप घर में बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा थिक इसकी ग्रेवी है और टेस्ट जो है ना फ्रेंड्स, आप बनाओगे तभी आप जान पाओगे कि ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया पनीर बटर मसाला आप घर में बना सकते हैं। अब रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। और उसके बाद एंड में आपने डालना है इसके ऊपर हरा धनिया। फ्रेंड्स अगर आप चाहो थोड़ी सी क्रीम और डाल सकते हो, मतलब जब मलाई डाल सकते हो, लेकिन मैंने जितनी डाली है मेरे लिए उतनी सफिशेंट है। आप चाहो तो डेकोरेशन के लिए और ऊपर से डाल सकते हो क्रीम। तो जान देखिए हमने सर्व कर लिया है एक डोंगे में और देखते ही आपको कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। रोटी, परांठा, पूरी या फिर चावल के साथ किसी चीज़ के साथ भी सर्व कीजिए। जब भी नेक्स्ट आपके घर में गेस्ट आने हो ना, तो स्पेशली आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, लाइक करना है। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप स्किप ना कर सकें। ओके, तो यही करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।